आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति बनाने को लेकर विपक्षी नेताओं की बैठक पटना में हुई। बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हुए। बैठक पूरी हो चुकी है। विपक्ष की ये महाबैठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानिए दिग्गज नेताओं का क्या कहना है। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे, मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है, तीन चीज नजदीक में है जो रिजोल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। हम
ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है।